हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? और आज फिर से मेरे साथ जा रही है ऐश्वर्या, जो कि हर बार जाती है। तो पिछले संडे को हम घूमने गए थे और आज फिर से हम जा रहे हैं घूमने। कहीं 4-5 दिन हो गए हम कहीं नहीं गए। ऐश्वर्या बोल रही है बहुत बोर हो रही हूँ। देखें कैसे घूम रही है, कहीं और ही देख रही है ये, तो मैं सोचा मैं आज सारी देख रही है। अभी बोल रही है कि मैंने शॉपिंग करनी, पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना करना। तो अभी हम जा रहे हैं और मौसम भी काफ़ी ख़राब है, तो ऐश्वर्या तो बैठ चुकी है रेडी होके और मैं भी रेडी हो चुका हूँ। और आज हमारे साथ कोई फ्रेंड नहीं है हमारा, और हम दो ही जा रहे हैं। और गाड़ी ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो चुकी है, पता नहीं क्या हो गया इसको। ये देखिए खुद ही स्टार्ट हो गई। तो अभी चलते हैं, तकरीबन यहाँ से 15-20 किलोमीटर है, वहाँ पे सिटी मॉल है, वहाँ पे जाते हैं। थोड़ा सा डिकैथलॉन की शॉप भी है वहाँ पे थोड़ा सा सामान लेंगे और देखते हैं ऐश्वर्या को क्या पसंद आता है क्या नहीं आता है। और चलो चलते हैं, फिर देखते हैं रास्ते में। देखिए आज हमारे साथ हैं ऐश्वर्या ठाकुर, ये आपको बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कि इनका हिमाचल मंडी से और यहाँ तक वेस्ट बंगाल कोलकाता तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ तक आने का। और यहाँ पे इतने दिन रही है, कुछ दिन अकेले भी रही, कुछ दिन मेरे साथ भी रहती हैं और अकेले भी रहती हैं। तो इनको ये आपको बताएंगे कि इनको कैसा फील हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा इनका। घर में अकेले होते थे, घर में सब होते थे इनके साथ, कभी बातें कभी कुछ, कहीं मन किया तो चले जाते थे। अब ये कहीं मन किया तो कहीं जा भी नहीं सकती मेरे बगैर। तो बस किचन से रूम, रूम से किचन, बस इतनी जिंदगी रह गई है अब इसकी, ज्यादा जिंदगी नहीं है। मैं खुश हूँ इसी में ही खुश है इसकी जिंदगी। अभी हमें थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, बट हम जब हम घर जाएंगे तो ले में जाएंगे। पहले सोच रहे थे हम कि बुलेट पे जाएंगे, बट अभी गाड़ी लेके जाएंगे। थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हो गया है, बोल रहे हैं कि बारिश वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो गाड़ी में ही जाएंगे, टेंट लेके जाएंगे अपना। और तकरीबन एक हफ्ता या 10 दिन का ट्रिप बनाएंगे और रुकते रुकते जाएंगे। आपको भी बताएंगे कि आपको कैसे जाना चाहिए। अभी तो हम गए नहीं हैं, तो भी तो बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस उसके बाद। तो देखते हैं अभी कब जाते हैं घर, उसके बाद जाएंगे ले। और एक और जो जगह देखी हमने, चंद्रताल, वहाँ पे भी जाएंगे, काफ़ी अच्छी जगह है, सबसे बेस्ट प्लेस है वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब लोग बोलते हैं कि झील ही तो है, मतलब एक पहाड़ी तो है, बट वहाँ पे जाके खड़े होके आंखें बंद कर एक सुकून मिलता है। देखो क्या फीलिंग आती है, मतलब वहाँ पे जाके, वहाँ पे पहुँचने के बाद ही पता लगता है। ऐसे तो हम हर जगह बैठ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पहाड़ तो हर जगह होते हैं, बट वहाँ पे जैसे आंखें बंद करके एकदम दिल को सुकून मिलता है, बाकी और क्या बता सकते हैं। Yes, मैं अभी गई नहीं हूँ, तो वहाँ जाके पता चलेगा कि कैसा अभी मैं तो ले जा चुका हूँ पहले एक बार, वो भी बुलेट पे ही गया हूँ पहले। और सोचा था ऐश्वर्या के साथ भी बुलेट पे जाएंगे, बट नहीं जाएंगे फिर कभी अगर बुलेट पे, अगर अच्छे टाइम में गए कभी, मतलब आजकल बरसात के टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो देखते हैं अगर ज़्यादा बारिश होती है तो गाड़ी में ही जाएंगे, नहीं तो ऑप्शन तो है बुलेट वाली। देखते हैं अभी बारिश, यहाँ का मौसम वेस्ट बंगाल जो बोलते हैं ना, पश्चिम बंगाल, यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब बारिश एक बार लग जाती है तो आपको पता नहीं होता कि कब बारिश आ जाएगी। एकदम क्लियर मौसम था अभी तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले, और अभी हल्की हल्की बारिश लग गई लगने। तो आजकल यहाँ पे बरसात शुरू हो चुकी है, मतलब यहाँ पे पहले बरसात होती है फिर हमारी हिमाचल तक पहुँचती है, और जो हम धान वगैरह लगाते हैं, मक्की की फसल उगाते हैं, वो यहाँ के लोगों ने यहाँ पर अभी उगा दी है, मतलब बरसात इनकी जो मक्की होती है, छल्ली बोलते हैं अपनी भाषा में, इतनी बड़ी बड़ी होगी इनकी, खाने के लिए भी आ गई है, और हमारे साइड लगा रहे हैं, तो मतलब ये
ईस्ट वाला इलाका होता है ना, ईस्ट जो बोलते हैं पूर्व साइड है, हम थोड़े हाँ, सूरज मतलब के नजदीक ज्यादा है। अगस्त में हमारी साइड धान लगाते हैं, बाकी मक्की तो उगा दी है, वो छोटी छोटी होगी होनी। मतलब ये जो एरिया है थोड़ा सा एडवांस है, पहले यहाँ पे हर सब सूरज भी जल्दी आ जाता है तो फसलें भी जल्दी उगा देते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। फिर जैसे सर्कल घूमे ना गोल 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 गोल, वैसे ही इधर से जाता है फिर उधर के लिए। चलो ठीक है, अपना हिमाचल तो अपना हिमाचल ही है। यहाँ पे तो आपको बिल्डिंगें देखने को मिलेगी, पहाड़। और अभी हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अभी हम लिफ्ट में ऊपर। तो अभी मॉल में हम पहुंच चुके हैं और ऐश्वर्या देखिए आगे आगे जा रही है और देख रही है इसको पसंद क्या कहाँ से आएगा। महंगा ही बहुत सामान है यहाँ पे, बोल रही है कि बहुत महंगा सामान है। कभी सीढ़ियों से पौड़ियों से नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है और बस ऐसे ही घूम रही है, ले कुछ नहीं रही है। अभी ये देखिए ऐश्वर्या देख रही है टॉप, बोल रही है टॉप लेने के लिए। अभी पता नहीं कैसे कैसे टॉप लेती रहती है, क्या क्या देखती रहती है। कभी टॉप बोले लेने, कभी बोले मैं लोअर लेनी, फलाना लेना। नॉट गुड, दिस नॉट गुड। और ये देखिए ऐश्वर्या की बहनें भी खड़ी हैं यहाँ पे, ये देखिए ऐसे पोज मार के। और अभी लोकेश बोल रहे हैं कि मेरे भाइयों के साथ मेरी एक फोटो ले ले। रहने दो रहने दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ, टी शर्ट अच्छी है यार, ब्लू कलर की देख लो, बहुत महंगा है यहाँ पे सब कुछ बट अच्छा है। बारिश वाला मौसम हो चुका है, हो क्या लग भी की है, देखिए काफ़ी बारिश हो चुकी है जब हम अंदर थे और अभी फ़िलहाल हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। सो अभी लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख और यहाँ पर हमें एक पिज़्ज़ा हट मिल गया है। फ़िलहाल अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, आज बहुत टाइम बाद मैं पिज़्ज़ा खाऊँगी, तो चलिए चलते हैं अभी अंदर। Thank you.
बॉटल लेनी है आपको? देख रहा हूँ गाड़ी के लिए बॉटल। हाँ, अभी हम यहाँ पे डीकैथलॉन की शॉप पे, पहले हम ऑनलाइन भी देख रहे थे बट इधर सिटी सेंटर में भी हमें मिल गई। जब हम कैंपिंग के लिए जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा सामान अवेलेबल है उसके लिए, और बाहर टेंट भी है जो हम देख रहे थे अभी। और ये हमारे बॉडी बिल्डर, ये बॉडी बनाओ। और यहाँ पे तो जिम का सामान भी है, मतलब लेना तो नहीं आपने कुछ है, और ए टू जेड सब कुछ है यहाँ। आपने लेना कुछ? मैं तो रहने तो दो दिन करते हैं, फिर बाद में इसको मैं कैसे पंच मारूंगा ना, सुला दूंगा इसको। यही कर सकते हो आप। अभी हम सिटी सेंटर में घूम के आ गए, फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। हम मैंने बीच रास्ते में भी एक जगह देखी थी, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सामान रखे हुए थे। फिलहाल हम अभी वहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, फिर आगे जाएंगे। थोड़े आगे आ गए हैं, और गाड़ी जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से गाड़ी को वॉश नहीं किया है, मतलब हम खुद ही वहाँ पे करते थे, मतलब खुद करते हैं तो खुद इतनी अच्छी साफ नहीं हो पाती। तो आज हम गाड़ी को भी वॉश करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, और सामान वगैरह निकाल रहे हैं, अंदर से बाहर रख रहे हैं क्योंकि गाड़ी को अंदर से भी साफ करना है और बाहर से भी। और फाइनली हमारी गाड़ी आज बहुत टाइम के बाद नहा रही है, देखिए साबुन के साथ नहा रही है, ऐसे बेचारी को पानी के साथ ही नहलाया जा रहा था इतने टाइम से। सुरक्षित और हाईटेक जेल तिहाड़, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ बिना इजाजत परिंदे। और गाइस अभी हम घूम फिर के पहुँच चुके हैं घर में, और लोकेश को कुछ काम था तो वो फिर से बाहर चले गए हैं, और मेरे को तो डिनर बनाने को था तो मैं अभी डिनर बना के फ्री हुई हूँ। तो फिलहाल अभी टाइम हो चुका है व्लॉग को एंड करने का। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर, कमेंट, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।